सर, ये दस्तक योजना क्या है? आप देखिए, दस्तक योजना के तहत हमारे जो फील्ड लेवल फंक्शनरीज हेल्थ डिपार्टमेंट की है, आशा है, ANM है, और जो उनके सिस्टर डिपार्टमेंट है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका, उनके माध्यम से हम प्रत्येक परिवार तक जापानीज इंसेफेलाइटिस और एक्यूट AES जो हमारे एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है उसके बारे में जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, उनको बताएंगे कि इसके लिए हम क्या उपाय करें जिससे इस बीमारी से हम लोग बच सके। अगर बीमारी हो भी जाती है, अगर बुखार हो भी जाता है, तो उसमें हम लोग क्या स्टेप्स लें और क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। जैसे हम लोग ये बताएंगे कि अगर बुखार होता है किसी छोटे बच्चे को, तो उनको तुरंत हम नियरेस्ट जो हमारा PSC है, CSC है, या अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो वहाँ पर लेकर जाएँ, और सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में भी संदेश देंगे। जी, इसमें किस किस लेवल के अधिकारी होंगे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। देखिए, इसमें हमारे विलेज लेवल से लेके वरिष्ठ स्तर के अधिकारी इसमें लगे हैं, और इसमें हमने इंटेंसिव ट्रेनिंग कराई है जो हमारे फील्ड लेवल फंक्शन से आशा है, ANM है, टीचर्स है, प्रधान है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, कोटेदार भी हैं, तो इनकी हमने इंटेंसिव ट्रेनिंग कराई है, और उसका फिर हर एक लेवल पर सुपरविजन करा रहे हैं, और ये प्रयास कर रहे हैं कि हम आम जनमानस तक पहुँचा सकें कि हम किस तरीके से JES से और AES से हम बच सके, क्या हम लोग रोकथाम के उपाय करें। इससे हम लोग स्वच्छता पे भी इसमें काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, शुद्ध पानी पिए और पानी को उबाल कर पिए जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस होती है, या उसको धूप में रखें ताकि उसके कीटाणु मर जाए। इसी प्रकार से शौचालय का उपयोग करें, गंदगी कम से कम हो, विशेष हम लोग सफाई अभियान भी चला रहे हैं। सर, ये बीमारी 100% क्योर तो नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव है, तो इसकी मॉनिटरिंग, जो आप ये योजना चला रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या करेंगे? हाँ, देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि इसकी अभी इसके प्रॉपर इलाज नहीं है, तो एक तो प्रिवेंटिव मेजर है, और दूसरा इसमें तुरंत अगर इलाज मिल जाए तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि तो बच्चे के ठीक होने का। तो वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को बुखार आता है तो उसे तुरंत प्राधिकृत डॉक्टर के पास लेके दें, जो हमारे PSC पे है, CSC पे है, उनको हम लोग स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो सब जगह हम लोग सेंसिटाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग का काम कर रहे हैं। अरे आशा बहन, बस देखने आई हूँ कि घर में किसी बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा। छुटकी को हल्का सा बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है ना। अरे फिर तो इसे लेकर तुरंत ब्लॉक या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों, बुखार शुरू ही तो हुआ है? अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, ये बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज कर सकता है, और दिमागी बुखार में देर जानलेवा होती है। अरे बाप रे, मैं छुटकी को अभी लेके जाती हूँ। एक एक पल की देरी बच्चे पर पड़ती है भारी, या तो जान पे बन आए या जीवन भर लाचारी, झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, अस्पताल लाना बच्चे को, इसमें देर न करना भैया, इसमें देर न करना। हाँ, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, फौरन शुरू हो उपचार तो क्यों होगा दिमागी बुखार।